हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग समझने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं अकाउंटिंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका फंक्शन। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट का महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन होने वाली है वीडियो। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोग दिख रहा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, कि बिजनेस के बारे में हमें फाइनेंशियली जो जानकारी मिलती है, ये महत्व हो जाता है। इसे और इजी तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करा था, उसमें अब तक हमने कितना पैसा लगाया, कितना हमें मिला, इसके बारे में हमें तब पता चलेगा ना जब हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करके रखेंगे, है ना। तो जब हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन ही करके नहीं रखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि बिजनेस में पैसों का लेन देन कितना हो रहा है। तो हमें ये तब पता चलेगा जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करके रखेंगे। तो सबसे पहला ही एडवांटेज हो जाता है कि हमें बिजनेस के बारे में फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। फिर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट। तो इसका मतलब होता है कि जब हमें वो जानकारी मिल गई तो क्या बस ऐसे ही बैठे रहेंगे कि अब तो मिल गई जानकारी? नहीं, हम उस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं कि हम आगे अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सके और अच्छे तरीके से हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। तो बेसिकली असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि उस जानकारी को प्राप्त करके हम लोग बिजनेस को कैसे ग्रो कर सके। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं लिखा है, द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक्स डिसीजंस एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फिर तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस मेमोरी। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपने पिछले साल जून के टाइम सोमवार में रात के खाने में क्या खाया था, बता सकते हैं? नहीं ना। या फिर उस दिन कितने रुपए खर्च करे थे, बता सकते हैं? नहीं। या फिर सितंबर में आपने कितने रुपए खर्च करे पूरे दिन में, नहीं बता सकते ना। तो ये तभी बता पाएंगे ना कि उस दिन कितना पैसा खर्च करा, या फिर क्या चीज हमने उस दिन, कितने वैल्यू की चीज हमने परचेस करी थी, खरीदी थी। तो सोचिए, जब हम ये नहीं बता सकते तो बिजनेस में तो डेली कितनी चीज़ें होती रहती हैं, कितने ट्रांजैक्शन, कितने हम लोग सामान बेचते हैं, कितना हम लोग खरीदते भी हैं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा ना जब हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करके रखेंगे। तो जब हम लोग अकाउंट्स को नोट करके रखेंगे, लिख करके रखेंगे, तो हम लोग खोल के देख सकते हैं कि उस डेट पर हमने किस नी रुपए की ट्रांजैक्शन करी थी, कितने रुपए का हमने लेन देन करा था उस दिन, कि हमें उस हमने उस दिन इतने रुपए का सामान बेचा, इतने का हमने खरीदा भी। तो अकाउंट्स का एक और फायदा हो जाता है कि रिप्लेसेस मेमोरी, कि हम लोग पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं उसे, ठीक है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है एडवांटेज। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर करना, मतलब पुरानी डाटा को कि पिछले साल हमने कितना कमाया, बिजनेस ने कितना कमाया और इस बार बिजनेस ने कितना कमाया, दोनों को मिला करके। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपका कितना प्रॉफिट इस बार ज़्यादा हुआ? या फिर इसको इस तरीके से समझिए, आपका प्रॉफिट इस बार बढ़ा या घटा, ये कैसे पता चलेगा? ये तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम लोग पहले के प्रॉफिट को इस बार की प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। अब ये कब संभव होगा, कब ऐसा हो पाएगा? जब हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा होगा, इसे अकाउंट्स मेंटेन करके रखा होगा। तो अकाउंट्स का एक और फायदा हो जाता है कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, लिखा है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। अब ऐसा होता है कि हम लोग
जितने भी मैम मतलब पर्सन होते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे पापा होते हैं या फिर मम्मियाँ भी कमाती हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता कि उनको टैक्स देना पड़ता है? डायरेक्टली तो उन्हें देना पड़ता है जिनकी इनकम कुछ रेट से ज़्यादा हो, मतलब कुछ इनकम उनकी ज़्यादा हो। मान लीजिए जैसे अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे ही बिजनेस को भी टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स सही तरीके से एकदम दे सके, वो उसमें कुछ गलती की संभावना ना हो, वो तब संभव होगा जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करके रखेंगे। तो अकाउंट्स का एक और फायदा हो जाता है कि जब हम लोग चीज़ों को लिख करके रखते हैं तो टैक्स देने में भी गलतियां नहीं होती हैं, ज़्यादा टैक्स नहीं जाता, कम नहीं जाता, या फिर ये कोई ऐसी गलती नहीं हो सकती है। फिर हम लोग देख सकते हैं लिखा है फैसिलिटेट्स लोन। अब एक बात बताइए, क्या बिजनेस कभी लोन मांग सकती है? मांग सकती है भाई, चलाने के लिए ऐसा थोड़ी ना रूल है कि नहीं मांग सकती, मांग सकती है। तो ये तो तब संभव होगा ना जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करके रखेंगे और बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम लोग दिखा सकें, ये देखिए हमारा अकाउंट्स हमने मेंटेन करके रखा है, आप इसके जरिए जानकारी ले करके देख सकते हैं, तो वो हमें लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक और ये फ़ायदा हो जाता है। फिर एविडेंस इन कोर्ट 7th पॉइंट लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स कोर्ट में पेश किया जाता है सबूत के तौर पर। अब ऐसा कैसे? मान लीजिए कोई फ्रॉड हो जाता है, तो जब आपके बिजनेस के साथ कोई फ्रॉड हो गया, उसे गलत साबित कर उसे मतलब फ्रॉड को गलत उसे सही फ्रॉड उस फ्रॉड की भरपाई करने के लिए हम लोग अकाउंट्स को कोर्ट में पेश कर सकते हैं सबूत के तौर पे, एज अ एविडेंस। तो अकाउंट्स जब तक मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो उसे पेश क्या करेंगे कोर्ट में? तो नहीं। तो एक और फायदा हो जाता है कि एविडेंस के तौर पर अकाउंट्स को पेश किया जा सकता है कोर्ट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिजनेस। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि सामान बेचना, सामान खरीदना, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिजनेस भी बेचना पड़ जाता है। उस कंडीशन में हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, या सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है? तो वो हमें तब पता चलेगा, या सामने वाले को तब पता चलेगा जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करके रखेंगे, जिसके जरिए वो हमारे डाटा को एनालाइज करके उसे समझ सकता है कि हमारी इस बार इस कंपनी की वैल्यू, इसकी पोजीशन, इसकी कीमत क्या है। तो एक और फायदा हो जाता है ये अकाउंट्स का। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, 9वां पॉइंट 9th। इसका मतलब होता है कि जब कभी आप लोगों ने सुना होगा इंसॉल्वेंसी या दिवालिया, अक्सर ऐसा सुनने में आता है अखबारों में, न्यूज़ में, कि कोई कंपनी दिवालिया हो गई, कोई कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, तो इसका मतलब होता है कि वो कंपनी नुकसान काफ़ी समय से झेलते झेलते वो लुट गई, मतलब वो घाटे में चली गई कंपनी। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है। तो उस केस में हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम अपने अकाउंट्स के जरिए पास्ट में पिछले समय हुए कुछ ट्रांजैक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारी गलती हुई थी। तो एक और फायदा हो जाता है ये अकाउंट्स का। फिर हम लोग देख सकते हैं लिखा है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसका मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप अकाउंट, क्या ज़रूरी है बिजनेस अकेला खोला जाए? नहीं, बिजनेस को कई लोग मिलके खोल सकते हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे लोग मिल करके खोल सकते हैं बिजनेस को, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये तब संभव होगा जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। फिर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग इसका मतलब होता है कोई विचार करना, कोई सोचना, डिसीजन का मतलब। तो ये अकाउंट्स के जरिए जब हम लोग चीज़ों को लिख करके रखेंगे, हम लोग अकाउंट बना करके रखेंगे, हमें पता चलता रहेगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है,
या घट रहा है, तो उसके जरिए क्या हम लोग प्लान नहीं करना चाहेंगे कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकें? करना चाहेंगे ना, ये तो हर कोई चाहता है। तो ये तब संभव होगा ना कि जब हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करके रखेंगे, तो इससे हमें डिसीजन डिसीजन मिलने में फ़ायदा होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि जादू का डंडा घुमाएं, आबरा का डामना मिल पता चल गया हमें, ऐसा नहीं। तो अकाउंट्स का एक और ये फ़ायदा हो जाता है। तो ये हमने पूरे के पूरे 11 पॉइंट डिस्कस कर लिया, आई होप आप समझे होंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो एक बार ही हम फिर से रैपिड में करते हैं इसे। सबसे पहला, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसका मतलब होता है कि अकाउंट्स के जरिए हमें सबसे पहला फ़ायदा होता है कि बिजनेस के बारे में हमें फाइनेंशियली जानकारी प्राप्त हो जाती है पैसों से रिलेटेड। फिर दूसरा पॉइंट हमने समझा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, कि इसके जरिए हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस के लिए प्लान बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जरिए। फिर हमने समझा रिप्लेसेस मेमोरी, कि पिछले साल या फिर पुरानी पुराने ट्रांजैक्शन को, पुराने लेन देन को हम लोग अकाउंट्स के जरिए हम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका तीसरा फायदा हो जाता है। फिर चौथा हमने एडवांटेज देखा कि फैसिलिट्स कंपैरेटिव स्टडी, की हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अकाउंट्स को कि इस बार हमारा प्रॉफिट बढ़ा या घटा, पिछले साल कितना था, इस बार कितना है, आगे हम लोग कितना कर सकते हैं। और फिर हमने समझा पांचवे में फैसिलिट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़, की ये टैक्स पेड करने में सहायता हो प्रदान करता है, मतलब है कि सेटलमेंट करने के लिए एडवांटेज हो जाता है अकाउंट्स। फिर हमने समझा फैसिलिट्स लोन, बिजनेस को कोई लोन की आवश्यकता है तो उस अकाउंट्स के जरिए लोन भी मिल सकता है। फिर हम लोगों ने समझा कि एविडेंस इन कोर्ट, कोई बाय चांस फ्रॉड हो जाता है कभी, तो अकाउंट्स को हम लोग एज अ एविडेंस इन कोर्ट में पेश कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने समझा आठवें में फैसिलिट सेल्स ऑफ बिजनेस, कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें बिजनेस सेल करना पड़ता है, तो उसमें बिजनेस की एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल वैल्यू हम लोग जानने के लिए अकाउंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एक और एडवांटेज हो जाता है। फिर नाइन्थ एडवांटेज में हमने समझा असिस्टेंस इन द इवेंट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी कि कई बार कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, तो उस केस में कंपनी अपने अकाउंट्स के जरिए ये पता कर सकती है कि पिछले बार पास्ट में यहाँ पे कोई हमसे गलती हुई थी। फिर हमने टेंथ में समझा पार्टनरशिप अकाउंट में ये सहायक होती है, इसका मतलब कि जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करके रखेंगे तो इससे हमारी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छे तरीके से बनी रहती है। फिर हम लोगों ने समझा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जब हम लोग चीज़ों को लिख करके रखेंगे अच्छे तरीके से, तो उसमें ये हमें सहायता प्रदान करती है कि हम लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे, जो पॉइंट समझ में नहीं आए कमेंट में लिखिए, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर ज़रूर करना प्लीज़, एंड कमेंट और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।